गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स यूनिट थ्री एक्सरसाइज 3.4। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। हमें जस्ट दो क्वेश्चन से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। हम अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट है 20 and 28। तो हमें जो 20 और 28 है उसमें हमें 20 के फैक्टर निकालने हैं। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। तो जो जो चीज इसके टेबल में आता है वो राइट कर दें। जैसे 20 आता है हमारे पास 1 के टेबल में, 2 में, 4, 5, 10 और 20 के टेबल में भी आता है। अब हमारे पास देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास 28 आता है 1, 2, 4, 7 and 14, 20। तो हमारे पास आ गया 28 आता है 1, 4, 7, 14, 20। तो कॉमन फैक्टर क्या रहेगा उसमें हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। चेक कर रहे थे क्या चीज कॉमन आ रही है। 1 कॉमन आ रहा है तो 1, 2 कॉमन आ रहा है 2, 4 कॉमन तो 4। अब इसमें और इसमें कॉमन नहीं है, हमारे पास कॉमन है 1, 2, 4। तो हमने जो 1, 2, 4 है राइट कर लिया, वो हमारा आंसर है। तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 15 and 25। इसका बी पार्ट है 15 and 25। तो अब हमें दोबारा से 15 और 25 के फैक्टर्स निकालने हैं। हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15 and फैक्टर ऑफ 25। दोबारा से हमें टेबल पढ़ना है 15 का। 15 किस किसके टेबल में आता है, 1 में, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद सिर्फ 15 नहीं आता, तो 15 लिख दिया। 25, 1, 5, 25। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर और जो कॉमन फैक्टर है वो आ जाएंगे 1 and 5। तो 1 और 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 and 50। सी पार्ट है 35 and 50। तो 35 ऐड करेंगे हम और 50। दोबारा से सेम क्वेश्चन जैसे पहले था, फैक्टर ऑफ 35, फैक्टर ऑफ 50। तो हमारे पास 35 आता है 1 के बाद सिर्फ 5 के टेबल में, उसके बाद 7 और सिर्फ 35 में ही आता है। और 50 चेक करते हैं 1, 2 के बाद 5 के बाद 10 के बाद 25 का 50। कॉमन देख लेते हैं 1, 5, बस 2 इसमें कॉमन आ रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन था। तो डी पार्ट रहता है वो आप लोग खुद करेंगे। इसका डी पार्ट है, डी पार्ट है हमारे पास 56 and 20। ये आप लोग खुद करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
दोबारा से फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, दोबारा हमें कॉमन फैक्टर्स ही करने हैं इस क्वेश्चन में भी। हमारे पास अब तीन डिजिट्स दिए हैं, 4, 8 एंड 12। हमें 4 के कॉमन फैक्टर करने हैं, 8 के करने हैं पहले फैक्टर, फिर 12 उसमें चेक करना है कौन सा कॉमन आता है कौन सा नहीं। हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 12 एंड लास्ट का ही जो पहले लिखी थी कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास 4 के फैक्टर 1, 2, 2 के बाद सिर्फ 4 ही आएगा, 8 के 1, 2, 4, 8, 12 1, 2। हम टेबल से निकाल रहे हैं, जैसे देख लेंगे बार 4 का जो किसके टेबल में है 4 1 4 4 ऐसे करें, 4 2 4 ये और या ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, 2 2 4 2 1 2। अभी सिंपल सिंपल टर्म्स है तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन लगाते हैं, 12 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में, 4 में, 6, 6 के बाद 12 में। अब कॉमन करेंगे, हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं, तो कॉमन रहता है 1, 2 एंड 2 के बाद 4 सब में है तो 4। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कॉमन रहा 1, 2 एंड 4। इसी का जो बी पार्ट है अब वो हम कर रहे हैं, बी पार्ट है 5, 15, 12। बी पार्ट है 5, 15 एंड 25। तो अब हम राइट करेंगे फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर ऑफ 25 एंड कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स लिख लेते हैं, फैक्टर्स फैक्टर्स ठीक है, फैक्टर्स निकाले 5 की, तो 1 और 5 भी है, 15 के 3 आ जाता है, 3, 5, 15, 25 के सबको पता है 5, 20। कॉमन क्या है, सब में 1 आ रहा है और सब में 5 आ रहा है, फैक्टर क्या है 1 एंड 5। ओके, तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। होमवर्क है इसके लिए, होमवर्क में निकालना है हमें फैक्टर, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कॉमन फैक्टर 12 एंड 18 में क्या आएगा, दूसरा आ गया 6, 8 एंड 18, इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें। थैंक यू।